बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंडिया स्टेट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, हमने जूनियर क्लर्क का जो पेपर शुरू किया था, इस टीएस के जरिए ये पेपर हो चुका है। तीन पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और इस वक्त पार्ट फोर अपलोड कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट फोर, और आज का पार्ट जनरल नॉलेज करंट अफेयर का है। क्वेश्चन नंबर 56 देखे, द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान हैज, पाकिस्तान की कौमी असेंबली में 272 सीटें जनरल सीट्स हैं और 60 उसमें से ख्वातीन के हैं और 10 सीटें नॉन मुस्लिम्स के लिए हैं। टोटल 342 सीट्स हैं। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। और क्वेश्चन नंबर 57 देखे, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, करंटली बोरिस जॉनसन है लेकिन उससे पहले तीसरा में, ऑप्शन सी था। और क्वेश्चन नंबर 58 देखे, द रिसेंट मीटिंग इन बिटवीन डोनाल्ड ट्रंप यूएस प्रेसिडेंट एंड विल्डिमर रशियन प्रेसिडेंट, उसके दरमियान जो हुआ था ये फिनलैंड में हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट है इसमें। और 59 नंबर, 2022 में फीफा का जो वर्ल्ड कप होना है वो कतर में होगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 60, पाकिस्तान का कौमी दरख देवदार है, ऑप्शन डी करेक्ट है। और 61, पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है मारखोर, ऑप्शन सी है। 62 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ सपा और मरवा हज के दौरान, उमरा के दौरान सपा और मरवा के दरमियान जो दौड़ते हैं उसको सही कहते हैं, उसके दरमियान ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 60, हु इज रेफर्ड इन द कुरान एज रूहुल अमीन और रूह रूहुल कुद्दूस, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को, ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 64 देखे, द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6, ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। अब इसमें से 65 से लेकर 70 तक क्वेश्चन मिस हैं, तो क्वेश्चन नंबर पार्ट आखिरी पार्ट 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। यहां पर खाली जगह है एन ऑफ, इसमें ऑप्शन ए लगता है। An operating system is a set of program containing instruction that coordinate all the activities among computer hardware resources. Option A लगता है। और क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, A cross platform program is one that runs the same on multiple operating system. Option C है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए दोस्तों, ड्यूरिंग अ कोल्ड बूटिंग, एक होता है कोल्ड बूट और दूसरा वार्म बूटिंग, इन दोनों के दरमियान यही फर्क है दोस्तों कि जब कंप्यूटर बिल्कुल ऑफ हो और उसको आप ऑन कर लेते हैं तो उस वक्त उस बूटिंग को कोल्ड बूट कहते हैं, और जब आप उसको रीस्टार्ट करते हैं तो डेट इज कॉल्ड वार्म बूट। तो ड्यूरिंग अ कोल्ड बूट ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर द पोस्ट पावर एंड सेल्फ टेस्ट रिजल्ट आर कंपेयर्ड विद डेटा इन अ चिप, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन ए है, सी मॉस, ऑप्शन ए करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 74 देखें, 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इसमें एक्चुअली कर्नल लगता है खाली जगह में, द कर्नल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेट मेंटेन द कंप्यूटर्स क्लॉक स्टार्ट एप्लीकेशन एंड असाइन द कंप्यूटर रिसोर्सेज सच एज डिवाइसेस प्रोग्राम डेटा एंड इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 75 देखे, 75 नंबर में सीमॉस लगता है, ऑप्शन सी। The CMOS is firmware that contains a computer startup instructions. Option C. और 76 नंबर क्वेश्चन को देखिए दोस्तों,
विद इसमें एक्चुअली ऑप्शन डी लगता है विद अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूजर इंटरेक्ट विद मेन्यूज विजुअल इमेजेस सच एज आइकॉन बटन एंड अदर ऑब्जेक्ट टू इशू कमांड्स। ऑप्शन डी करेक्ट है। और क्वेश्चन नंबर 77 विद इसमें ऑप्शन ए लगता है विद वर्चुअल मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम allocates a portion of a storage medium usually the hard disk a function as additional or RAM। question number 79 number question mein bhi option A lagta hai a driver is a small program that tells the operating system how to communicate with specific devices। aur 79 number question mein bhi option A lagta hai Encryption is the process of encoding data and information into unreadable form। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए दोस्तों। The recycle bin is configured automatically to be able to store files equal to 10% of the size। इसमें ऑप्शन सी लगता है। इसके बाद 10-20 एमसीक्यूज रह गए तो उसको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।